सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास जियो फाइनेंस के शेयर है 323 रेट के, करीब 500 जी। और टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं सर? दो से तीन साल तक। ठीक है, तो ये थी राय जियो फाइनेंस, ये सवाल है जियो फाइनेंस पे। भाई थी सर, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? हालांकि एक पूरे बाजार में गिरावट है और जियो के अंदर भी करीबन 2% की गिरावट है, 2 साल का टाइम फ्रेम है, और जो खरीदारी का भाव है वो है 323 रुपये का, 500 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। अभी जो प्राइस चल रहा है केवल 3 रुपये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जी, जिस हिसाब से पूरे मार्केट में गिरावट देखने मिली है और स्पेसिफिकली रिलायंस ग्रुप में, रिलायंस में गिरावट देखने मिली है, उस हिसाब से उस कंपेयर में जियो में अभी भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। एक उसने अपना जो बेस था 310 का, उसे अच्छे से होल्ड किया है, जो कि अगस्त के लो था वहां पे उसे होल्ड किया है। हमें लग रहा है कि 310 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बने रहे। अगर मार्केट में एक रिकवरी देखने मिलती है तो इसमें वापस अपस्विंग देखने मिलेगा। 333 के ऊपर इसमें एक अच्छा बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि इसे शायद 340 तक का भी, 350 तक का भी मूव दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को 310 के स्टॉप लॉस के साथ। तो स्टॉप लॉस रखना है 310 का, लेकिन इस चैनल और इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें।